जाते हैं और वर्णवंशा बढ़ जाती है। व्यवस्था बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं परिवार का विघटन भी हो जाता है। इसी को लेकर आपको बता दें कि रायसेन के अंदर एक ऐसा समाज भी है जिस समाज के द्वारा आज भी हर घर के अंदर टिफिन पहुंचाया जाता है। समाज को एकजुट करने को लेकर, देश को एकजुट करने को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट रायसेन से दिखाते हैं। खासकर ये खबर थोड़ी हटके है। आलबर्ड में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा एक टिफिन चालू किया गया है, जहां आज पूरे विश्व में संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं और लोगों में बेमनस्ता बढ़ रही है। वहीं दाऊदी बोहरा समाज द्वारा एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का रखा गया है, जिसमें बताया गया हमें कि यहां से एक टिफिन व्यवस्था चालू की इन्होंने, कहीं सुबह तो कहीं शाम इनका टिफिन जाता है और हर घर में टिफिन जाता है। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि कोई इनके पास कोई धन की कमी है। इनका कहना यह है कि हमारी सामाजिक समरसता बढ़ना चाहिए और ये लोग आपस में ही चंदा इकट्ठा करते हैं और उसमें ये भोजन कराते हैं। इनका एक उद्देश्य और अच्छा लगा हमें कि भोजन वेस्टेज ना जाए, इसलिए एक ही थाली में कम से कम 8 लोग खाते हैं और इनका उद्देश्य यही रहता है कि भोजन किसी भी तरह से खराब ना हो। यह हमेशा सेहत का ध्यान भी रखते हैं, इसलिए भोजन भी उसी तरह से बनाया जाता है। यहाँ हमें एक मांझी मिली, उन्होंने बताया कि मैं अपने सुकून के लिए काम करती हूँ। यहाँ हमें मुल्ला अबुल हसन जी मिले, उन्होंने कहा कि ये काम भी मैं अपने सुकून के लिए निःशुल्क कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर समाज में संदेश जाना चाहिए कि लोग इस तरह के काम करें। मैं राकेश जैन रायसेन। आपके क्या काम रहता है रसोई में? खाना बनाना। कितने लोग खाना बनाती होगी आप? पूरे 13 घर का। 13 घर का खाना बनता है, तो रोज मेनू बदलाते हैं क्या उसमें? रोज ताजा फ्रेश सामान आता है, रोज बनाती हूँ। और आपके सहयोगी कोई कि आप अकेले सब कर लेती हैं? अकेले सब करती हूँ। अच्छा, उसके बदले में कोई शुल्क मिलता होगा आपको? जी हाँ, पेमेंट मिलता है। जी। तो आपको कैसा लगता है ये काम करने में? शुरू से मेरा ये रोजी रोटी ये सब, विडो होम में मेरे इंतकाल हो गए थे मेरे हस्बैंड का, मेरी बच्ची बहुत छोटी थी तभी से मैं ये काम करती हूँ। ये थाल क्या उपयोग में आते हैं? जी ये खाना खाने के। कब खिलाया जाता है इसमें खाना? जब कोई बड़े फंक्शन होता है, पूरे रायसेन का खाना होता है तब खाते हैं। तो एक थाल में कितने लोग खा लेते हैं? 8 मेंबर खा लेते हैं। 8 मेंबर खाते हैं। अच्छा, एक साथ खिलाने का उद्देश्य क्या है आपका? बस हमारे कौम में यही उसूल है, एक साथ खिलाना। जी ये हाल किस काम में आता है? ये हाल साहब नमाज के काम में भी आता है और कोई भी मतलब समाज के जो मिलकात होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसके काम में आता है। यहाँ पे तो कितने लोग बैठ खा सकते हैं एक बार में? यहाँ पे हमारे रायसेन के लोकल के 7-8 थाल होते हैं, एक थाल में 8 मेंबर बैठते हैं, तो यहाँ पे 25 थाल हो सकते हैं। तो ऐसे कितने लोगों को कितनी बार करते हुए आप? ये हमारा साल में कम से कम जो है 100 बार से ऊपर हो जाता है ये। अच्छा। जैसे 30 दिन रमजान है, 10 दिन मोहर्रम है और इसके बाद भी जो मीकात होते हैं, 100 दिन से ऊपर जो है यहाँ पे हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और एक थाल के अंदर 8 लोग बैठ के खाना खाते हैं। उसमें जो है वेस्टेज नहीं जाता और पूरा थाल जो है एकदम क्लीन जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उद्देश्य क्या है आपका सबको एक साथ खिलाने का? ये हमारे जो मीकात होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जैसे रमजान का पर्व होता है हमारा, उसमें मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि सब एक साथ होना चाहिए। ये 2010 के अंदर हमारे 52 में दाई थे सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनकी इच्छा थी ये कि हर घर में जो है वो थाली पहुंचना चाहिए। हमारा जो टिफिन जाता है इसको हम थाली कहते हैं, तो उनका उद्देश्य था ये और उन्होंने सबसे पहले जो है मिस्र में चालू करा था ये, और मिस्र से आज जो है पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मुल्ला जी रहते हैं सबके घरों पे टिफिन जाता है और रायसेन के अंदर 2012 से जा रहा है ये। कभी चूक नहीं होती इसमें? हाँ, चूक नहीं होती इसमें, पूरा संडे छोड़ के टिफिन जाता है और साल भर में 15 दिन की छुट्टी भी रहती है। 15 दिन की छुट्टी रहती है और आज 2012 से मैं इस काम को संभाल रहा हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी का वह गर्व भी है मुझे कि मुझे ये खिदमत मिली है जो मैं निःशुल्क कर रहा हूँ। जो ये जो खर्चा वगैरह होता हुआ लाने में आने में, सामान लाने में, वो उसका कौन खर्चा उठाता है? इसमें जो है मतलब सभी मतलब जो हमारे समाज के लोग हैं वो देते हैं, मतलब वो अच्छा गुप्त देते हैं, जिससे जो बनता है, जो कम भी देता है कोई ज्यादा भी देता है, लेकिन इसमें कभी जो है घाटा नहीं लगता, मतलब प्लस के अंदर ही रहता है हमारा और पूरा 7 दिन हमारा 6 दिन जो है अच्छी थाली बन जाती है बराबर से। ऑल वर्ल्ड में चल रहा है ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है और सबसे पहले जो है मिस्र से चालू हुआ है, इजिप्ट से, और आज जो है पूरी दुनिया के अंदर है और सब जगह जो है 90-95% जाती है थाली। कुछ ऐसे घर होते हैं जो परहेज का खाते हैं, 100% ही परहेज का होता है, वहां नहीं जाती, नहीं तो कोशिश ये है कि 100% सब जगह जाती है। परहेज से मतलब क्या है आपका? जैसे जो मिर्ची नहीं खाता, नमक नहीं खाता उनके लिए। बाकी यहाँ के अंदर भी हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है कि मिर्ची नमक वगैरह बिल्कुल एक मिनिमम रहता है
और जो खाना बनाते हैं वो भी बहुत शौक से और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो, कभी इसलिए ताकि हमारे मौला की दुआ है उसके अंदर, उनकी जो परमिशन है उससे। तो इसमें कभी मीठा वगैरह भी रखते हैं क्या? हाँ, मीठा रखा था हमारा, रोज रखा था कभी कभी, रोज नहीं रखा था, कभी कभी जो हमारे त्योहार रहते हैं उस दिन मीठा रखा था। या ऐसा भी होता है जैसे मेरे घर पे किसी बच्चे का बर्थडे है तो मैं अपनी तरफ से मीठा रख देता हूँ उसके अंदर, तो सब घरों में पहुंच जाता है वो, ऐसा हमारा पूरे सब जगह चलता है ये। एक टिफिन में आप कितना रखते हैं, क्या क्या रखते हैं उसमें? जो है रोटी और चावल रहता है जी, और एक तरकारी रहती है, सब्जी वगैरह जो भी रहती है, तीन रहते हैं, और एक जो है छोटा मिठास रहता है, मिठास कभी कभी मतलब मिल्कत के ऊपर रखाता है वो। बाकी ये दो चीजें तो कंपलसरी हैं, रोटी और चावल। और खाना बनाती हैं वो भी काफी शौक से बनाती हैं, मतलब सिर्फ एक दिल के अंदर ये है कि एक मौला की खुशी है, मतलब हमारे एक शफा के तौर पे इसको मतलब इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई बीमारी होती है करती है तो लोग भाई एडवाइस देते हैं कि यार आप ये थाली का खाना खाओ, और इसमें हम जरा सा भी कोई भी वेस्टेज नहीं करता इस खाने को। क्या नाम है सर आपका? मेरा साहब मुल्ला अबुल हसन फखरी, वाली मुल्ला हूँ रायसेन का। अच्छा काम है समाज का वो लोग कर लेते हैं, और कम है समाज, आर्थिक रूप से सक्षम है वो समाज, पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, तो वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, उनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए बाकी लोगों को। नाम रसिया है और मैं बोरा समाज को बिलोंग करती हूँ। हमारे समाज के बहुत सारे फायदे हैं और हमारा समाज अपने आप में अनोखा है। बाकी मुस्लिम्स के जहाँ हम करते हैं, बोरा मुस्लिम्स अपने आप में एक अलग एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं, और इसका सीधा साधा प्रभाव देखा जाता है कि जो बोरा समाज की औरतें हैं वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। इसकी कई फायदे हैं, एक तो हमारे समाज में टिफिन सिस्टम है जिसको हम थाली बोलते हैं, हर घर में चाहे वो पैसे वाले हो या गरीब हो, हर घर में किसी के यहाँ सुबह में जाता है, किसी के यहाँ शाम में जाता है थाली। तो इसके ये इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके कई फायदे हैं, एक तो औरतों को किचन से फ्री करना ताकि उनके पास बहुत समय हो, वो कोई भी चीज़ कर सकती है, अर्निंग सोर्स के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सिलाई वगैरह या कुछ भी होममेड चीज़ या जैसे ऑनलाइन वर्क, ये सब करते हैं। और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, उनको भी काफ़ी समय मिल जाता है, पूरा शाम का समय उनके पास रहता है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनका ध्यान इधर उधर ना बटे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा समय औरतों का जाता है, तो इस चीज़ से भी वो फ्री हो जाता है, मेंटली और फिजिकली फ्री। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हर किसी को एक जैसा खाना मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब भूखा पेट जाए। ये कितने साल से चल रहा है आपके यहाँ? ये लगभग 10-15 साल से चल रहा है। तो उसमें कितना खाना आ जाता है कि लोग आराम से खा सके? खाना आता है कि आराम से पूरी फैमिली खा सके, यानी मेंबर के हिसाब से खाना पहुंचाया जाता है। उसके लिए जो आप राशि जुटाती है वो कहाँ से आती है? सर राशि भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतना रहता है कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, अगर कोई 2000 देना चाहे या 2500 देना चाहे, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल से एक ऐसी ऐसी फैमिली है जो गरीब की फैमिली है जो इतना नहीं दे पाते, तो वो 500 भी दे देते हैं। पर ये रकम इसलिए दिया जाता है ताकि आपको इस चीज़ का एहसास ना हो कि आप मुफ्त में हो, यानी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन रिलीजन की तरफ होता है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, पहली बार सुना है कि घर घर खाना पहुंचाया जा रहा है। एक अच्छी कम्युनिटी है मुल्ला समाज, और घर घर खाना पहुंचा रही है। हमें लगता है कि और समाज को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि हर समाज में कोई ना कोई गरीब होता है और हर समाज में अब प्रेम घट रहा है, लेकिन मुल्ला समाज ने एक नई प्रेरणा दी है। मेरे को लगता है कि लोग इससे जरूर प्रेरणा लेंगे। मैं आवाज़ न्यूज़ से राकेश जैन रायसेन।